उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध आईएएस बी चंद्रकला द्वारा सीबीआई से यह कहा गया है कि उसके पास नेताओं की फ़ोन आते थे और कहते थे काम दे दो और आंखें बंद रखो। उसका यह भी कहना है कि इन्हीं नेताओं और अफसरों के कारण उन्होंने खनन घोटाले में जो काम सामने आ रहे हैं वो किए हैं। उल्लेखनीय है कि 2008 की आईएएस बी चंद्रकला इन दिनों सीबीआई के घेरे में हैं और जब उनसे खनन घोटाले को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सफ़ेदपोश नेताओं और अफसरों के इशारे पर उन्होंने ये पट्टे दिए हैं और कहा जाता था कि पट्टे अलाट कर दो और अपनी आंखें मूंद लो। हालांकि सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पट्टे दिलाने में तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुख्य भूमिका रहती थी। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी की भी जांच की जा रही है जो ऊपर से मिले आदेशों पर अमल करवाते थे। सूत्रों का यह भी कहना है कि जो चंद्रकला के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है उसको लेकर भी उनके खिलाफ जांच की जा रही है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। जो संपत्ति की जानकारी सीबीआई द्वारा जुटाई गई है उसमें भी कई तथ्य बी चंद्रकला के खिलाफ मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।